विनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे भारत माता के जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद। आप सभी को आज 75th गणतंत्र दिवस में सभी को आपको आपके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जोश और जज्बा दिखाता है आप लोग आए आज यहाँ पे इतनी दूर अपनी अपनी जगहों से, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और इसी तरीके से आरसीआई एक टीम के तौर पे हर जगह से आगे आएगा और हर जगह एक साथ काम करेगा, तो पूरी उम्मीद है कि आरसीआई जो है एक अपने आप में एक ऑलरेडी बहुत अच्छा नाम है और भी अच्छा नाम पूरे देश में हम स्थापित करेंगे। और जो जिस तरह से हम लोगों का चल रहा है, एक कभी मेलबोर्न विश्वविद्यालय से तांबे जी ने किया है, उसी तरीके से और भी विश्वविद्यालयों से नाम करें। देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो हम सब बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने एक फैमिली की तरह, अपने परिवार की तरह देखना है कि जैसे हम फंक्शंस अपने घरों में करते हैं, परिवार में करते हैं, एक साथ जुट होके अगर हम एक साथ फंक्शन करेंगे, एक साथ अपने जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज हमें जो दी गई है आरसीआई को, उस पर अगर हम ध्यान देंगे और काम करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम सब तरक्की करेंगे, हमारा नाम एक अच्छा होगा, देश के अंदर बहुत अच्छा नाम होगा। तो हमको इसका ध्येय अपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसा कि हम अब देश बदल रहा है, आप देख रहे होंगे देश वैसा नहीं रह गया जी। आपने 20-25 साल देख लिया अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के अंडर में जिस प्रकार से मंत्रालय और देश आगे तरक्की कर रहा है, उसमें हम पीछे नहीं रह सकते। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो काम होता है आज से 10 साल पहले वाला अवसर में बहुत अंतर है। नाउ द डिक्टम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एट द डोर स्टेप। हमें जो सर्विसेज हैं जिस भी आप क्षेत्र में हैं उसकी सर्विसेज आपको लोगों को मोहताज नहीं करना है, तड़पाना नहीं है कि आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा, बता नहीं रहे, वो जमाना नहीं रहा है। हम सबको हमारा काम है फैसिलिटेटर, हम बाधाएं बनाने के लिए नहीं आए हुए यहाँ पे कि किस तरह काम को मोड़ना है, किस तरह काम को घुमाना है, ऑफिस ऑफिस नहीं खेलना है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चल रहा है। वी हैव टू टेक दिस इंडिया फॉरवर्ड, यहां से पीछे नहीं जाएगा, आगे का गियर लग गया है और हम सबकी भूमिका है, एक एक आदमी की, चाहे जो खड़ा हुआ मेरे पीछे जो खड़े हुए हैं और आगे खड़े हुए हैं, सभी की भूमिका है देश को अब आगे ले जाना है। और देश को ले जाने के लिए खाली सेना नहीं है, खाली डॉक्टर्स नहीं है, खाली इंजीनियर्स नहीं है, हम सब जो काम कर रहे हैं, चाहे MTS हो, चाहे DO हो, चाहे वो अधिकारी हो, हम सबको मिलकर एक नए निर्माण करना है प्रक्रिया का, ताकि हम जो अपना अपना काम करें, जिसकी हमें तनख्वाह दी जा रही है, RCI से हमारा पेट चलता है, हमारी रोजी रोटी बनती है यहाँ से, इसलिए जो यहाँ दायित्व है यहाँ पर रह के ड्यूटीज आपकी जो है, उस ड्यूटी को हमें निभाना है। तो आज के दिन का मैं लंबा आपको भाषण नहीं लूंगा, आपको बोलेगा कि आके MS साहब आज लंबा चालू करेंगे, लंबे की बात नहीं है, बात यह है कि मैं आप सबसे बैठ नहीं पाया हूँ, रूबरी नहीं पाया हूँ, क्योंकि अलग अलग चार्ज है, 3 दिन